क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो SC ST एक्ट सिटी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला करके गलत तरीके से ये जो आदेश हमारा वापस किया है, ऐसा बहुत ही गलत किया है, क्योंकि ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसका दुरुपयोग न हो। क्या 376 का दुरुपयोग नहीं होता है? क्या FIR सारे सही होते हैं? इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को और मनुवादी विचारधारा के लोगों को ये कहूँगा कि आप पूरे दलित समाज और आज हमारा खटिक समाज भी पूरे तन मन धन से प्रदर्शन में उतरा है हजारों की संख्या में, और निश्चित तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला वापस नहीं लिया तो कल लाखों खटिक समाज के लोग, दलित समाज के लोग ये सुप्रीम कोर्ट को घेरने का काम करेंगे। आज हम लोग निवेदन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारा जो मांग है कि SC ST एक्ट जिस तरह से हमारा लागू था उसी तरह से पुनः लागू कराने का सहयोग करें, और केंद्र सरकार चाहे तो न्यायपालिका से मजबूती से बात रख करके चालू करा सकता है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को, पूर्ण बहुमत सरकार हमारे दलित भाई खटिक भाइयों ने मिल करके दिया है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी हमारे इस बात को माने, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा आने वक्त में, और आने वाले समय लाखों लोग उतरेंगे। और 2 अप्रैल की जो घटना हुई है इसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी मनुवाद की व्यवस्था के ग्रसित व्यक्ति हैं उन्होंने जो घुस करके गोलियां चलवाई ये बहुत गलत किया, इसलिए उस पर भी मैं माननीय गृह मंत्री और महोदय प्रधानमंत्री जी को ये अनुरोध करूँगा कि हमारे दलित और शोषित समाज, हमारा ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको जानवरों से उठा करके इंसान का जीवन दिया, उसके लिए उस अधिकार को समाप्त न करें, नहीं तो ऐसा विद्रोह होगा जो इतिहास में अभी तक देखा नहीं जाएगा। संजय राज जी, अभी आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया, एक तरफ कहते हैं कि दलित समाज, बहुजन समाज, और एक तरफ आप खटीक समाज को अलग से लेके चल रहे हैं। देखिए, जिंदगी में सच्चाई से दूर नहीं जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि लोग मंच पर ही बहुजन की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, मंच से उतरते ही सारे जितने भी SC समाज के जो भी अलग अलग जातियाँ हैं, हर जातियों में लाखों संगठन हो गए हैं, तो हम क्यों न, हम अंदर से नहीं, हम बाहर से भी हैं कि हम खटिक समाज जब है हमारा तो हम उसका नेतृत्व करेंगे, हम एक होकर के हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलने का काम करेंगे। संजय राज जी, जब आप लोगों ने 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद किया था तो उस समय ना तो खटिक का बैनर था, ना दलित का बैनर था, ना किसी पार्टी का बैनर था, आपने पूरे भारत को हिला के रख दिया। लेकिन आप खुद समाज में बांट रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं, ये आप लोग बांट रहे हैं? हम ऐसा नहीं बांट रहे हैं। संविधान में खटिक को एक जाति के रूप से, एक जाति के नाम से सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं कई हजार, हमें इसका, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि जो सच्चाई है, या तो सर्टिफिकेट ही सबका एक कर दिया जाए, और नहीं तो हमारी जो गोत्र है अलग अलग बटी हुई है उसको एक करने का खटिक सेना काम कर रही है, क्योंकि 365 कुछ जातियां हमारे जाति में बांट दिए हैं। इसलिए हमारा खटिक सेना का आह्वान है कि जितने भी गोत्र हैं ख़त्म करके मात्र एक खटिक गोत्र का ही एकजुट होने का, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तमाम जगह विभाजित होने के बजाय एक जगह। आपने देखा नहीं कि आपने ये देखा होगा कि 2 अप्रैल को भारत बंद रहा तो इस जो मुहिम है, जो एट्रोसिटी का वो मैटर है कि हम भी इसमें हाथ सेक लें और एक खटिक समुदाय को अलग से एक प्रचंग फैलाएं, ये सरासर मैं कहूँगा कि गलत होगा ऐसा कहना, इसलिए कि 365 गोत्र को मैं एक कर रहा हूँ, एक इकट्ठा कर रहा हूँ। जाति के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे हमारे मुस्लिम समाज के लोग खड़े हैं और आप एक जाति स्तर पर लेके चल रहे हैं। देखिए, आंदोलन में जो भी शामिल हो जाए उसको हटाया नहीं जा सकता है, और यह किसी एक जाति का नहीं। मानते हैं कि बाबा साहब ने आगरा में खड़े होकर यही कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अगर मेरे पढ़े लिखे लोग अगर समझ जाएं, सुधर जाएं, तो मेरा समाज आगे बढ़ जाएगा। वो बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा था। तो आप बाबा साहब को नहीं मान रहे? मैं बिल्कुल एक खटिक सेना बाबा साहब के नाम के ही, बाबा साहब आप देखे, बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा था कि आप अलग अलग तरीके से सेनाएं बनाए, नहीं, बाबा साहब ने ये जरूर कहा था कि एकजुट होकर के संघर्ष किया जा सकता है। तो जो हमारा 365 जाति में विभाजित है, मैं उसको एक खटिक जाति में खड़ा
करके एक जो हमारी सर्टिफिकेट मिलता है, मैं उसी के कैटेगरी में खड़ा करना चाहता हूँ। जो विभाजन उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। खटीक सेना के माध्यम से सारे खटीक हमारे भाई जो विभाजित हैं वो सब आज नाम के आगे पीछे सबको आह्वान कर रहे हैं कि खटीक लगाएं, ताकि ये भी समझ में आ जाए। अम्बेडकर और जो बौद्ध लगाते हैं वो क्या गलत लगाते हैं? अम्बेडकर जो बौद्ध लगाते हैं बिल्कुल सही लगाते हैं, लेकिन सबसे जहर अगर बहुत ज़्यादा फैला हो तो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए खटीक सेना का जो मुख्य विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलने का है। हमने कोई जो जाति बनाया गया है मैं उसी में काम कर रहा हूँ, कोई अलग से विभाजन नहीं कर रहा हूँ, विभाजन को ख़त्म करने का काम कर रहा हूँ जो 365 गोत्र हैं। धन्यवाद।